नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्थान यानी कि एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी में नई वैकेंसी आ गई है। पीजीटी, टीजीटी, पीआईटी, एनटीटी और अदर्स वैकेंसी भी हैं। इस वीडियो में आपको इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। जॉब लोकेशन कहाँ पर है, कौन सी पोस्ट है और किस टाइप की पोस्ट है, सैलरी कितनी है, इन सब की पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएँ। दोस्तों, ये नई वैकेंसी आ गई है यहाँ पे और इसमें देखिए कौन कौन सी पोस्ट हैं। सबसे पहले आपको पोस्ट दिखा देते हैं। इसमें तो यहाँ पे पीआईटी में देखेंगे यहाँ पे प्रिपरेटरी टीचर की वैकेंसी है और इसके बाद आगे यहाँ पे पीआईटी म्यूजिक की वैकेंसी है। पीआईटी म्यूजिक के बाद पीआईटी की वैकेंसी है और टीजीटी में हम बात करेंगे तो टीजीटी पीईटी मेल फीमेल की है, टीजीटी आर्ट की है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, टीजीटी इलेक्ट्रिकल, टीजीटी बायोकेमिस्ट्री, टीजीटी मैथमेटिक्स, मराठी, हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस और इंग्लिश, ये सारी टीजीटी की वैकेंसी हैं। और इसके बाद पीजीटी की कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, पीजीटी की कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, आलमोस्ट सभी सब्जेक्ट को इसमें कवर किया गया है। और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है ये सारी चीज़ें भी दी गई हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम एक पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी देख सकते हैं। इसमें बीटेक भी मांगा गया है कंप्यूटर साइंस और आईटी में, और आगे लिखा है इक्विवेलेंट डिग्री और डिप्लोमा मांगा गया है एमएससी कंप्यूटर साइंस में, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से हम अगर टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी को देखें तो इंग्लिश एज सब्जेक्ट इन ऑल थ्री इयर्स एंड बीएड प्लस सीटेट, बीएड और सीटेट सभी के लिए कंपलसरी है टीजीटी के लिए। और जो यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका, वो सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि जिस सब्जेक्ट में आप भर रहे हैं, जैसे मराठी में भर रहे हैं तो मराठी आपकी होनी चाहिए, और मैथमेटिक्स में भर रहे हैं तो मैथमेटिक्स होनी चाहिए प्लस बीएड प्लस सीटेट होना चाहिए। ये तो हो गई टीजीटी की क्वालिफिकेशन। और इसके साथ ही यहाँ पे आगे हम बात करेंगे पीआईटी की। तो पीआईटी में जो यहाँ पे मांगा गया है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 50% मार्क्स के साथ, यानी कि इंटरमीडिएट अगर आपने 50% मार्क्स के पास साथ पास किया है, 10+2 अगर आपने 50% मार्क्स के साथ पास किया हुआ तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आगे इसमें लिखा है इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन क्लास 12th सब्जेक्ट में आपकी इंग्लिश जरूर होनी चाहिए। और आगे लिखा हुआ है दे शुड हैव स्टडीड हिंदी एज सब्जेक्ट इन देयर कोर्सेस, हिंदी सब्जेक्ट भी होना चाहिए आपके पास, और डीएलएड होना चाहिए या बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड होना चाहिए, बीएलएड या डीएलएड होना चाहिए प्लस सीटेट होना चाहिए। तो क्या हो गया आपका क्वालिफिकेशन पीआईटी के लिए, सीटेट, डीएलएड या बीएलएड में से कोई एक और इंटरमीडिएट पास प्लस हिंदी और इंग्लिश। आगे पीआईटी म्यूजिक की बात करेंगे तो यहाँ पर भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 50% नंबर के साथ मांगा गया है। और आगे इसमें बैचलर डिग्री अगर आपके पास म्यूजिक में है तो 50% नंबर के साथ है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आगे लिखा गया है कि कैंडिडेट हु हैव स्टडीड मिनिमम 3 ईयर्स आफ्टर क्लास 12th लीडिंग टू ए डिप्लोमा या डिग्री इन म्यूजिक विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज इक्विवेलेंट। तो इसमें ये समझ लीजिए आपको म्यूजिक में अगर आपने कोई भी कोर्स किया हुआ है, कोई डिप्लोमा किया हुआ है, प्रभाकर किया हुआ है, विशारद किया हुआ है या कुछ भी किसी तरह का भी कोर्स किया है, या फिर इंटरमीडिएट में आपके 50% नंबर हैं तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बीए म्यूजिक से 50% है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ना तो सीटेट मांगा है और ना ही डीएलएड मांगा है, तो ये दोनों चीज़ें इसमें नहीं मांगी गई हैं। प्रिपरेटरी टीचर में इसी तरह से 50% के साथ आपके पास सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए, इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, हिंदी सब्जेक्ट दोनों होने चाहिए, या फिर फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स आपके पास इसमें पीपीटी, एनएसटी, ईसीसी, ईएड होना चाहिए आपके पास। तो ये हो गई क्वालिफिकेशन। आगे हम और बातें करते हैं इसमें। इसमें देखिए एज में रिलैक्सेशन दिया गया है, किसके लिए दिया गया है, एस सी एस टी ओ बी सी सबके लिए दिया गया है, वुमेंस के लिए भी दिया गया है, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी दिया गया है। इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रखा गया है, एक एमसीक्यू टेस्ट आपका किया जाएगा 50 मार्क्स का, और इसमें 50% नंबर आपका स्कोर होना चाहिए, यानी कि 50 प्रश्नों का क्वेश्चन पेपर होगा, 25 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए अगर आप अन रिजर्व कैटेगरी के हैं तो, और एस सी एस टी ओ बी सी हैं तो 45% ही यहाँ पे मांगा गया है, 45% आपके होने चाहिए, यानी कि आपके कितने हो जाएंगे 22
22 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। आगे इसमें लिखा है उसके बाद एक स्किल टेस्ट कराया जाएगा और आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। जॉब की लोकेशन होने वाली है जॉब की, वो मुंबई में होने जा रही है। और इसमें यहाँ पे इंटरव्यू के लिए डेट और टाइम दिया गया है, पीआईटी के लिए, प्रेप टीचर के लिए और पीआईटी म्यूजिक के लिए जो दिया गया है। 19 मार्च को आपका रिटन टेस्ट होगा और ये डेट दी गई है, ये समय सॉरी टाइम दिया गया है, टाइम और डेट दिया गया है किस डेट में किसका रिटन टेस्ट होगा। इसी तरह से पीजीटी की और सारी दी गई है और टीजीटी का भी सब इसमें दिया गया है। जो इसमें एज मांगी गई है, एज पीआरटी वाले ग्रुप में 30 ईयर्स लिखा गया है इसमें, 30 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। और अगर आप इसमें टीजीटी में है तो 35 ईयर्स होना चाहिए और पीजीटी के लिए 40 साल दिया गया है। इसमें एक चीज़ और लिखी गई है, 65 ईयर्स ऑफ रिटायर्ड टीचर फ्रॉम KVS, NVS, AEAS या गवर्नमेंट स्कूल। किसी अगर आपने NVS, KVS, AEAS और गवर्नमेंट टीचर ग्रुप में अगर आप रिटायर्ड हैं तो आप 65 ईयर्स के हैं तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है, 23-24 के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। और इसका जो ये कॉलेज है आपका अणुशक्ति नगर मुंबई में ये कॉलेज है, वहीं पर आपको जॉब मिलेगी। तो जो महाराष्ट्र के हैं या फिर मुंबई के आसपास के हैं वो तो इसमें अप्लाई कर ही सकते हैं, बाकी ऑल ओवर इंडिया के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते वो तैयार हों कि मुंबई में जॉब करने के इच्छुक हों तो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये होगी पूरी इन्फॉर्मेशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।